मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र शिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, अब देखिए, आपका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ते हैं एरोमेटिक का, एरोमेटिसिटी। यदि जब हमने हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण किया था तो वहां पे एक आया था चक्रीय यौगिकों में, आया था एरोमेटिक यौगिक। तो वहां हम केवल एक ही एग्जाम्पल दे पाए थे उस समय, बेंजीन। और काफी सारे क्वेश्चंस भी आए थे बच्चों के, सर एरोमेटिक में बेंजीन होता है क्या? तो आज हम पूरे एरोमेटिक यौगिक पढ़ते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और कौन नहीं होते। तो आज हम तीन टॉपिक पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एरोमेटिक का। इसमें तीन तरह के यौगिक पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिक, एक पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक यौगिक और एक पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले हम बात करें एरोमेटिक यौगिक, तो इन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक यौगिक को समझाने के लिए हकल ने एक नियम दिया। उस नियम के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, कौन सा यौगिक एंटी एरोमेटिक है और कौन सा यौगिक नॉन एरोमेटिक। तो क्या कहता है हकल का नियम, वो सुनिएगा। हकल का नियम कहता है कि वे समतलीय और चक्रीय यौगिक, क्या बोला मैंने, एक तो समतलीय हो और एक चक्रीय हो, वे समतलीय चक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन क्या उपस्थित होते हैं, 4n+2π इलेक्ट्रॉन डी स्थानीकृत होते हैं। स्थानीकृत का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इसे हम अनुनाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे अनुनाद कहते हैं। तो मतलब वे समतलीय चक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में अनुनाद करते हैं एरोमेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो एरोमेटिक कहलाते हैं। क्लियर है? समतलीय कैसे पहचानेंगे समतलीय? तो यहाँ पर जो भी परमाणु है, सभी परमाणु सामान्यतः sp2 संकरण में हो, कार्बन परमाणु। कभी कभी ये sp संकरण में भी चल जाएगा। तो यहाँ जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन sp2 संकृत होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? चक्रीय, तो वलय दिखनी चाहिए उसमें। क्लियर? समतलीय का मतलब क्या है? सारे कार्बन sp2 संकृत होने चाहिए। और अगर sp3 वाला, तो कौन सा वो कार्ब A9 वाला होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर वो चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय का मतलब वहां पर वलय होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि वहां पर 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब वहां पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2, क्लियर हो। और ये इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में अनुनाद करते हो, अनुनाद का मतलब पूरी वलय में अनुनाद के द्वारा घूमते हो, द्विस्थानीकृत होते हो, तो उसे कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं उसे? एरोमेटिक। यहाँ जो n है, उस n का मान 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। सामान्यतः जब n का मान 0 रखते हैं, तो n का मान 0 रखते हैं, ये 0 हो गया, ये 2 बच्चे, तो 2π इलेक्ट्रॉन आए, 1 रखा तो 6π इलेक्ट्रॉन हुए, 2 रखा तो 10π इलेक्ट्रॉन्स हुए और 3 रखा तो 14π इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो सिस्टम कहलाता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला तो चक्रीय होना चाहिए वलय वाला यौगिक को, दूसरा वो समतलीय हो, मतलब उसमें सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में हो, क्लियर है। तीसरा, उस चक्रीय यौगिक में 4n+2π इलेक्ट्रॉन, मतलब 2π या 6π या 10π या 14π इलेक्ट्रॉन हो, और साथ ही ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में अनुनाद करने चाहिए, मतलब द्विस्थानीकृत होने चाहिए। तो उन यौगिकों को हम कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं उन्हें? एरोमेटिक। पहचान सकते हैं एरोमेटिक को? चक्रीय, समतलीय, 4n+2π इलेक्ट्रॉन अनुनाद करने चाहिए पूरी वलय में, तो वो कहलाते हैं आपके एरोमेटिक। हम बात करें एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का उल्टा होता है। उल्टा मतलब यहां पर हम बात करें एंटी एरोमेटिक, तो ये वे समतलीय चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें 4n π इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तो 4n+2 है और यहाँ पर 4n π इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 4n π इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में द्विस्थानीकृत होने चाहिए, मतलब अनुनाद करने चाहिए। क्या करने चाहिए? अनुनाद करने चाहिए।
तो हम कहते हैं सर वे चक्रीय यौगिक और समतलीय होनी चाहिए। समतल का मतलब सभी कार्बन sp2 संकेत होने चाहिए और उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में अनुनाद करते हों, तो उन चक्रीय यौगिकों को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? एरोमेटिक में तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन द्विस्थानिकत होंगे मतलब अनुनाद करेंगे। क्लियर है? यहाँ जो एन एंटी एरोमेटिक में एन का मान है वो 0 नहीं होता और कोई भी पूर्णांक हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। क्लियर है? फिर आता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक वे चक्रीय यौगिक होते हैं जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होते, मतलब जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की शर्तों का पालन नहीं करते वो चक्रीय यौगिक नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। मतलब या तो इनमें क्या होगा, या तो इनमें समतलीय नहीं होगी भले, या इनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं आपके नॉन एरोमेटिक। और यदि इनमें इलेक्ट्रॉन है भी सही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन भी स्थानीकृत नहीं होंगे, तो कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? तो नॉन एरोमेटिक की सीधी सी पहचान है कि जो एरोमेटिक नहीं है और जो एंटी एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बस ये चक्रीय जरूर होंगे, बाकी इनमें समतलीय नहीं होंगे और समतलीय के साथ साथ यहाँ पर इनमें अनुनाद भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये कहलाते हैं आपके नॉन एरोमेटिक। फिर यहाँ पे बात करें स्थायित्व, तो जब हम आगे हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, यौगिकों का स्थायित्व भी पढ़ेंगे, यौगिकों में अम्लीयता भी पढ़ेंगे, क्षारीयता भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, और वो सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप एक सिक्वेंस से चलेंगे और धीरे धीरे इनको सीखते जाएंगे, बेसिक्स डेवलप करेंगे। और जब तक ये बेसिक डेवलप नहीं होंगे आप अपन ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते, तो इनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्थायित्व, किसका क्रम क्या क्या होता है। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स हैं जितने भी यौगिक हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल स्थायित्व जो है वो एरोमेटिक है, और सबसे कम स्थायित्व जो होता है वो एंटी एरोमेटिक का होता है। किसका होता है? एंटी एरोमेटिक का होता है। और नॉन एरोमेटिक का स्थायित्व एरोमेटिक से कम होता है लेकिन एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होता है। तो आप क्या सीखे? आप ये सीखे कि सर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होने के लिए तीनों को चक्रीय होना चाहिए। फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में तो चक्रीय कैसे होनी चाहिए? समतल होने चाहिए, यहाँ समतल नहीं होगा। फिर यहाँ पर एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब और ये दोनों में ये पाई इलेक्ट्रॉन द्विस्थानिकृत होने चाहिए, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, अगर हैं तो ये द्विस्थानिकृत नहीं होंगे, वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर? सबसे ज्यादा स्थायित्व एरोमेटिक का होता है और सबसे कम स्थायी या सबसे अधिक स्थायी जो होंगे, अनस्टेबल जो होंगे, हाईली अनस्टेबल, वो एंटी एरोमेटिक होंगे। और नॉन एरोमेटिक का स्थायित्व जो होता है वो एरोमेटिक से कम लेकिन एंटी एरोमेटिक से अधिक होता है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब हम लेते हैं इनके एग्जाम्पल कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। ये एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर सीखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है? तो पहले हम बात करें संयुग्मन, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन किन में, और हमें वही पाई इलेक्ट्रॉन लेने हैं जो संयुग्मन में होंगे या कॉन्जुगेशन में होंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन लेने। तो कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था ना भाई, तो रेजोनेंस की एक स्थिति तो ये थी कंडीशन, डबल सिंगल डबल, दूसरी थी डबल सिंगल नेगेटिव, तीसरी कंडीशन थी डबल सिंगल और लॉन पेयर, चौथी कंडीशन थी डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, पांचवी कंडीशन हमको लेनी नहीं है। तो ये चार कंडीशन थी जो कॉन्जुगेशन है। ठीक है ना भाई? अब हमें यहाँ पर देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनेंगे किसी सिस्टम में, तो जब एक डबल बॉन्ड होता है तो उस डबल बॉन्ड में
हमें 2π इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। कितने गिनने हैं? 2π इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2π इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें? एक डबल बॉन्ड। और यदि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन तो दो और दो चार होते हैं, लेकिन जब हमें गिनने हैं एरोमेटिक सिस्टम में तो वो वहां पर दो ही पाई इलेक्ट्रॉन गिनने में आएंगे। जो कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है उसमें 2π इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये भी 2π इलेक्ट्रॉन ही है। क्लियर? तो यहाँ होते तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? चार, लेकिन हम कॉन्जुगेशन में कितने लेंगे? ओनली 2π इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और यदि यहाँ पर लॉन पेयर है तो ये 2π इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, और यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी 2π इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं आपको, और पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ होते हैं 0π इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर? क्या सीखे आप? डबल बॉन्ड में 2π इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 2π इलेक्ट्रॉन गिनने, होते चार हैं लेकिन लेने कितने हमें? दो, तो संयुग्मन में दो ही आएंगे। लॉन पेयर में ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पॉजिटिव चार्ज में कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, हमें यहाँ पर वही लेना है जो ऐसे संयुग्मन में हो। अगर ये नेगेटिव चार्ज और लॉन्ग पेयर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हो या एटम पर हो, ऐसे नेगेटिव डबल बॉन्डेड एटम पर ये हो गया लॉन्ग पेयर, तो ये कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं होते, तो इन नेगेटिव और इन लॉन्ग पेयर को हमें नहीं गिनना। क्लियर है? हमें वही लॉन्ग पेयर या वही नेगेटिव चार्ज के 5 इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जो कॉन्जुगेशन में इस तरह से नेगेटिव सिंगल डबल, लॉन्ग पेयर सिंगल डबल, इस तरह से कॉन्जुगेशन में इस तरह संयुग्मन में वही लेने। अगर डबल बॉन्डेड परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है या लॉन्ग पेयर है तो उन्हें हम कॉन्जुगेशन में नहीं लेते, संयुग्मन में नहीं गिनेंगे। कंफ्यूजन? चलो जैसे और देखें अपन एग्जाम्पल्स कि कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, हमें वो एग्जाम्पल्स देखें हम। तो जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2π इलेक्ट्रॉन इसके, 2π इलेक्ट्रॉन इसके, 2π इलेक्ट्रॉन इसके, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6π इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपने यहाँ पे लिया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, पॉजिटिव के 0 होते ही हैं, तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2π इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपने यहाँ पे लिया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 ये रहे 2 ये रहे, 4π इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें वही लेने जो संयुग्मन में हो। देखो आप, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, संयुग्मन में कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, संयुग्मन में। अब जैसे आपसे कोई कह दे कि सर इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? डबल डबल और नेगेटिव और नेगेटिव, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो देखो आप, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन में तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 तो नेगेटिव इसके, 2 नेगेटिव इसके, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2π इलेक्ट्रॉन इसके, 2π इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल हो गए 8π इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। आपने ऐसे ही ले लिया, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? माइनस और माइनस, तो देखो डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल नेगेटिव, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6π इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसे लिया, आपने ये एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट, अब देखो 2π इलेक्ट्रॉन तो इस डबल बॉन्ड के हो गए, 2π इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के हो गए, 4। अब लॉन्ग पेयर देखो, लॉन्ग पेयर सिंगल डबल, लॉन्ग पेयर सिंगल डबल, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गिनने में आएंगे जो संयुग्मन में कॉन्जुगेशन में, तो 6π इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यदि हम यहाँ पे ऐसे लेते, ये नाइट्रोजन ले लिया और इस पे लॉन्ग पेयर लगा लिया, तो इसमें अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो 2π इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, 2π इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, 2π इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के। अभी जो लॉन्ग पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये हम 5 इलेक्ट्रॉनों में नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ लॉन्ग पेयर जो है वो संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पेयर के बाद सिंगल और डबल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लॉन्ग पेयर किस पर है? डबल बॉन्डेड एटम पर है। और मैंने आपको बोला था, जब लॉन्ग पेयर डबल बॉन्डेड एटम पर हो या ट्रिपल बॉन्डेड एटम पर हो तो ये लॉन्ग पेयर रेजोनेंस नहीं करता और इन्हें हम 5 इलेक्ट्रॉन में नहीं गिनते। क्लियर? एरोमेटिक सिस्टम के 5 इलेक्ट्रॉन्स में नहीं गिनेंगे। ऐसे यदि यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड एटम पर नेगेटिव हो या ट्रिपल बॉन्डेड एटम पर नेगेटिव हो
ये भी रेजोनेंस नहीं करेंगे। एनेमी हम कॉन्जुगेशन में नहीं मानते, इसमें नहीं मानते कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने आएंगे ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब किसी एटम पर मान लो एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक ही लोन पेयर गिनने, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेने उसके। जैसे ये है ओ डबल बॉन्ड और यहाँ 2 लोन पेयर है, तो यहाँ 2 पाई ये रहे, 2 पाई ये रहे, 4 पाई। अब देखो लोन पेयर ऑक्सीजन पर है, तो मैं सिंगल डबल दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है ना भाई, तभी आपको लोन पेयर लेना है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर लोन पेयर 2 है ना भाई, तो आपको एक लेना है, आप किसी भी एक को ले सकते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के, 2 इसके और 2 इसके। तो क्या समझ में आया, यदि किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो हमें केवल कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर को गिनना है, मतलब 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए उसके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे यदि आपने मान लो ये ले लिया आपने, ये तो अभी गिन ही लिया अपन ने, ठीक है ना, ये लोन पेयर गिनने में आएगा ही नहीं। ऐसे अपन ने यहाँ लोन पेयर ले लिया और ऐसे अपन ने यहाँ पे ले लिया, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर गिनने में नहीं आएंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड एटम पर है। और जब भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर डबल बॉन्डेड एटम पर होगा या ट्रिपल बॉन्डेड एटम पर होगा, मतलब द्विबंध पर होगा या त्रिबंध पर होगा, तो कभी भी हम इनको पाई इलेक्ट्रॉनों में नहीं गिनेंगे। कौन से वाले में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का तो सीखने में। बाकी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं, टोटल तो गिनने हैं आपको, टोटल तो यहाँ पे 8 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एरोमेटिक के लिए कितने, यहाँ पर ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं करेगा, क्लियर। हम लेते हैं एग्जाम्पल एरोमेटिकता के, कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं, वो देखिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया साइक्लोप्रोपिनिल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो साइक्लोप्रोपिनिल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, सबसे पहले देखें साइक्लिक है, चक्रीय है पूरा यौगिक। दूसरी बात प्लेनर है, प्लेनर का मतलब sp2 है, डबल बॉन्ड है, sp2 है, पॉजिटिव चार्ज भी sp2 होता है। तो ये तीनों ही कार्बन sp2 है तो प्लेनर है, ऑल कार्बन sp2 हो गए तो ये प्लेनर है। अब तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 2 पाई, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखें ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं कि नहीं करते। यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में, पूरी बले में रेजोनेंस कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, तब तो सिस्टम अब एरोमेटिक होगा, और नहीं कर रहे तो नॉन एरोमेटिक होगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए अनुनाद डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, सिंगल पर, क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या रह गया, प्लस रह गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव आ गया, फिर वही डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, देखो आप यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पूरी रिंग में घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन भी पूरी रिंग में घूम रहे हैं, मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, और अनुनाद कर रहे हैं पूरी रिंग के अंदर, पूरी वलय के अंदर। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड कहलाएगा आपका एरोमेटिक, क्या कहलाएगा ये कंपाउंड, एरोमेटिक। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब इसका हमें अनुनादि संकर बनाना, संकर में क्या होता है, ये भले तीनों में दिख रही है, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं अपन, तो ये भले तीनों में दिख रही है रिंग, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, तो तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए ना भाई, और पॉजिटिव चार्ज 3 स्थिति पर आ रहा है, हो गया प्लस। इसका मतलब ये एक चक्रीय यौगिक है, इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, मतलब प्लेनर है, समतलीय है, और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पूरी रिंग में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये अकल के अनुसार एरोमेटिक। क्या है अकल के अनुसार, एरोमेटिक, क्लियर। अब हम देखते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक
और नॉन एरोमेटिक्स के और एग्जांपल्स आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। कोई भी एग्जांपल दे रखा है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, नॉन एरोमेटिक है या नहीं है, वो देखेंगे। और देखते हैं कैसे देखेंगे अपन, आपको जैसे कंपाउंड दिया साइक्लोब्यूटा 1,3-डाई, इसका जो सूत्र तो बनाना आता ही होगा, अब आपको आईपीएस सीख रखी है आपने। तो देखो मूल नाम क्या है, साइक्लोब्यूटा, मतलब चार कार्बन की साइकिल है और वन और थ्री पर डाइन है, ये वन और थ्री पर डाइन हो, वन टू थ्री और फोर, डबल बॉन्ड लगा दिया ना वन और थ्री पर, क्लियर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइन जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है, या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले देखें तो ये कंपाउंड जो है वो चक्रीय है, पूरा साइक्लिक है, क्लियर भाई। कैसा है कंपाउंड, साइक्लिक है पूरा, चक्रीय है। फिर समतलीय है कि नहीं है, आप यहां देखिएगा समतलीय होने के लिए क्या चाहिए, sp2 कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन होता है सब sp2 होते हैं। तो डबल बॉन्डेड कार्बन या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 होता है, या वो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन जो रेजोनेंस करता है वो sp2 होगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो इसके आगे ऐसे, तो ये क्या होगा sp2 होगा, ठीक है ना भाई। तो हमें तीन पोजिशन देखनी चाहिए, तो यहाँ सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, तो ये क्या हो गया, सारे कार्बन डबल बॉन्ड है तो सभी कार्बन जो होंगे वो sp2 संकृत अवस्था में होंगे, और sp2 संकृत में होंगे तो सारे क्या समतलीय है, तो संरचना चक्रीय भी है समतलीय भी है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखें 2π और 2π, भाई डबल सिंगल डबल है तो पाई इलेक्ट्रॉन दो और दो चार पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ ये चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फॉलो करते हैं, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, एक, क्लियर है। अब देखते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन भी स्थानीकृत होते या नहीं होते, रेजोनेंस करते कि नहीं करते। तो अनुनाद में क्या होता है, डबल सिंगल डबल है, और आपने पढ़ा था जब डबल सिंगल डबल हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डबल से सिंगल पर, और ये आगे वाले सिंगल, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगी इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर, इसकी अनुनादी संरचना बनेगी डबल डबल, फिर वही डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यही कंडीशन आ जाएगी वापस स्ट्रक्चर ये आ जाएगी। तो मतलब ये पूरे पाई इलेक्ट्रॉन जो है, चारों के चारों पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूम रहे ना भाई, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, क्लियर। तो इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी, अनुनादी संकर बनेगा, उसमें क्या है, देखो इन दोनों बलों का, इन दोनों संरचनाओं का मिश्रण होता है संकर, और संकर जब मिश्रण होता है तो यहाँ पर देखो ये बलें तो दिख रही है सब में दोनों में, फिर डबल बॉन्ड एक बार है एक बार नहीं है, यहाँ पर एक बार नहीं है यहाँ पर है, यहाँ पर है या नहीं है, यहाँ पर है या नहीं है, तो मतलब हर जगह पर डबल बॉन्ड एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा, इसका मतलब सब जगह पर आंशिक द्विबंध है। आंशिक द्विबंध का मतलब ऐसे, ये भी आंशिक द्विबंध है, ये भी आंशिक द्विबंध है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूम रहे और पूरी रिंग में घूम रहे, तो मैं इसको यूं दिखा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या हो रहा है, चक्रीय भी है समतलीय भी है और 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद भी कर रहे हैं, मतलब द्विस्थानी कृत भी हैं, और जब ये सारे ही हैं तो चक्रीय समतलीय 4n पाई इलेक्ट्रॉन द्विस्थानी कृत है, ये कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, कैसा होगा, ये होगी एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें साइक्लोब्यूट इनिल कार्बेन आयन, एन आयन का मतलब होता है कार्बन पर धनावेश, और कार्ब कैटायन या कार्बोनियम आयन का मतलब होता है कार्बन पर धनावेश। यहां देखें हम साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट है मतलब चार कार्बन है, तीन है एक डबल बॉन्ड है, कार्ब एनायन है एक नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो सबसे पहले बात करें कि ये क्या है, तो पहले तो ये चक्रीय है मतलब साइक्लिक है, दूसरा क्या है समतलीय, देखें हम समतलीय है या नहीं है वो देखें,
ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज वाला रेजोनेंस करेगा तो ये भी sp2 हो गया, लेकिन ये कार्बन जो है वो sp3 हो गया। तो ये sp2 है, ये sp2 है, और ये भी sp2 हो जाएगा रेजोनेंस के द्वारा, लेकिन ये sp3 हो गया। तो ये कार्बन एक प्लेन से बाहर हो गया ना भाई, तो ये तो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति के हैं, और ये चतुष्फल की ज्यामिति का तो प्लेन अलग हो गया ना भाई। तो ये समतलीय नहीं है, और जब समतलीय नहीं है तो आगे की कंडीशन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये क्या कहलाएगा आपके, नॉन एरोमेटिक। जबकि आप गिन ले इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, दो और दो चार, यहाँ पर चार पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चार पाई इलेक्ट्रॉन समतलीय ना होने के कारण भी स्थानीकृत नहीं होते। क्या नहीं होते, भी स्थानीकृत नहीं होते। तो एंटी एरोमेटिकता की शर्त टूट रही है ना भाई, समतलीय नहीं है और चार पाई इलेक्ट्रॉन भी स्थानीकृत नहीं है, तो ये कैसा यौगिक है, नॉन एरोमेटिक। अब बोलिए पहचान सकते हैं आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और एग्जांपल्स लेते हैं, आप देखिएगा तसल्ली से, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। अब हम देखें इन कंपाउंड्स को या इन स्पीसीज को कि इनमें से कौन तो एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक। क्लियर है, तो हम एक एक करके स्पीसीज को लेते हैं। हमने पहली स्पीसीज ली साइक्लोप्रोपीन, ये ले ली, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ देखो ये यौगिक जो है वो चक्रीय है, साइक्लिक है, दिख रहा है भले। फिर देखें यहाँ पर ये कार्बन आपका sp2 है, ये कार्बन भी आपका sp2 है, लेकिन ये वाला कार्बन आपका sp3 है, और sp3 होते ही ये समतल में नहीं रहा, अब तल से बाहर आ गया, तो समतल में तो sp2 वाले रहेंगे, इनकी संरचना का नाम क्या, समतल त्रिकोणीय। क्लियर, तो ये हो गया आपके समतल में नहीं है, तो ये असमतलीय संरचना हो गई। कैसी संरचना हो गई, असमतलीय, और असमतलीय हो गई तो मुझे आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए समतलीय होना जरूरी है, लेकिन असमतलीय है तो कौन सा बचा, नॉन एरोमेटिक है। कैसा है ये, नॉन एरोमेटिक, जबकि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर, लेकिन असमतलीय होने के कारण ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि असमतलीय होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद नहीं करेंगे। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे साइक्लोप्रोप इन इमिल कार्ब एन आयन। क्लियर है, साइक्लोप्रोप है, डबल बॉन्ड है, एक बैलेंसी फ्री है, एनायन है, तो क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोप्रोप इनिल। क्या नाम है, साइक्लोप्रोप इनिल कार्ब एन आयन। अब ये कार्ब एन आयन है, तो यहां पे हम देखें सबसे पहली बात तो हमारी बले है कि नहीं है, चक्रीय यौगिक है, नाम ही साइक्लो आ रहा है। क्लियर, फिर यहां देखें डबल बॉन्ड वाला कार्बन है sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है sp3, नेगेटिव वाला कार्बन होता तो sp3 है, लेकिन यदि ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो, अनुनाद कर रहा हो, तो देखो यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल अनुनाद है, तो ये कार्बन भी फिर sp2 हाइब्रिड होगा। क्लियर, तो यहाँ पर सारे कार्बन sp2 संकेत हैं, तो ये क्या होंगे, समतलीय होंगे, मतलब प्लेनर होंगे। क्लियर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो पाई और दो पाई, चार पाई इलेक्ट्रॉन है, अनुनाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखें आप, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव से सिंगल पे, डबल से उसके पास वाले पे, क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव का यहाँ चला गया, तो नेगेटिव सिंगल और डबल। क्लियर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड यहाँ, और ये नेगेटिव का यहाँ जाएगा, तो नेगेटिव सिंगल डबल वापस ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फोर पाई इलेक्ट्रॉन पूरी बले में अनुनाद कर रहे हैं, बी स्थानीकृत है, क्या है ये, बी स्थानीकृत है। क्लियर, और जब ये फोर पाई इलेक्ट्रॉन बी स्थानीकृत है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, फोर पाई चक्रीय यौगिक है, समतलीय है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा रूल हो गया, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन, एन बराबर एक हो गया, इसका मतलब ये यौगिक जो है
वो एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। समझ में आया? क्यों? चक्रीय है, समतलीय है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और वो भी क्या कर रहे हैं, पूरी वलय में अनुनाद कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? एरो एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। अब हम तीसरी स्ट्रक्चर देखें। तीसरी स्ट्रक्चर में क्या है? डबल ये है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। सबसे पहले तो बात करें, चक्रीय है, दिख रहा है तो डायरेक्टली क्लियर। समतली है, sp2 और पॉजिटिव चार्ज वाला तो sp2 होता है, ये sp3 है, लेकिन ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये भी sp2 हो गया। तो सभी कार्बन sp2 है, sp2 है, तो ये समतलीय है। कैसा है ये? समतलीय है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने पाई? 2 पाई और 2 पाई, 4 पाई होगी। पॉजिटिव में तो कोई पाई होता ही नहीं है, तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखो, नेगेटिव सिंगल डबल और डबल सिंगल पॉजिटिव, ये पूरे में अनुनाद कर रहे हैं ना भाई, और ये पूरे में अनुनाद करेंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बी स्थानीकृत है, और बी स्थानीकृत है कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई। तो आप देखिए इस तंत्र में क्या दिख रहा है आपको, चक्रीय भी है, समतलीय भी है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एन का मान 1 है। कितना एन का मान? 1 है, और वो भी बी स्थानीकृत हो रहे हैं। इसका मतलब ये यौगिक जो है वो एंटी एरोमेटिक। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। तो तीसरा जो स्पेसीज है वो आपकी हो गई एंटी एरोमेटिक। अब हम बात करें चौथी स्पेसीज की। किसकी बात करें? चौथी स्पेसीज की। तो क्या है चौथी स्पेसीज, देखिएगा आप। तो अपन देखें यहाँ पर फोर्थ स्पेसीज को। तो क्या है फोर्थ स्पेसीज आपकी? ये और ये है। तो यहां पर देखिए आप, डबल नेगेटिव और नेगेटिव, चक्रीय दिख रहा है, पहली चीज कंप्लीट है, पहली सर। दूसरी प्लेनर, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव भी रेजोनेंस कर रहा है और ये नेगेटिव भी रेजोनेंस कर रहा है। नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, मतलब समतलीय हो गए सारे, क्योंकि तो सारे ही के सारे sp2 हाइब्रिड है, तो ये चक्रीय है, समतलीय संरचना हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन देखें, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बी स्थानीकृत हो रहे हैं नहीं हो रहे? देखो रेजोनेंस कर रहे कि नहीं कर रहे, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन आता है नेगेटिव से सिंगल पर आता है, डबल से उसके पास वाले पे आता है, क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। फिर आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव सिंगल और डबल, तो ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल पर और डबल से इसके पास वाले पे, क्या बनेगा? यहाँ पर डबल आएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा। फिर देखो आप, नेगेटिव सिंगल डबल, क्लियर? क्या आएगा? आप यहाँ देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे, रेजोनेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, बी स्थानीकृत हो रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पर चक्रीय यौगिक है, समतलीय यौगिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल का पालन कर रहे हैं, जहां पर n का मान 1 है, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बी स्थानीकृत हो रहे हैं, और बी स्थानीकृत हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्पेसीज है वो कैसी है? एरोमेटिक है। कैसी है? एरोमेटिक है। कोई कंफ्यूजन? फिर हम यहाँ पर देखें पांचवा कंपाउंड। पांचवा तो आपका जाने पर क्या नाम दिख रहा है? शुरू में इसको ही एरोमेटिक कहा हमने, तो ये बेंजीन है। तो यहां पर आप देखिए, चक्रीय है, दूसरा सारे कार्बन sp2 हैं तो समतलीय हैं, तीसरा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस कर रहे हैं ना, अनुनाद कर रहे हैं ना, पर अनुनाद कर रहे हैं तो पूरी वलय में ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं? देखो, और घूम रहे हैं तो कैसा हो गया? बी स्थानीकृत है, और बी स्थानीकृत है, अनुनाद कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। कैसा है ये? एरोमेटिक। अब हम बात करें छठे एग्जाम्पल की, सिक्स्थ एग्जाम्पल की, कि सिक्स्थ एग्जाम्पल कैसा होगा?
अब सिक्स टू सेवन्थ और एट एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा ढंग से समझना है कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा। सिक्स एग्जाम्पल है पिरिडीन का, आपने यहां पर ले लिया ये एन लॉन पे डबल डबल और डबल। सबसे पहले तो आप देखो चक्रीय दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चक्रीय है मतलब साइक्लिक है। दूसरा ये भी डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सारी आइटम sp2 संकृत है मतलब समतलीय है। क्लियर? अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने, दो पाई दो पाई दो पाई, छह पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना है हमारा ये लॉन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन नहीं गिना हमने, तो हमने बोला था आपको कि वही लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज या वो लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज नहीं गिनना जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड परमाणु पर उपस्थित है। तो ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर उपस्थित है ना भाई, तो ये लॉन पेयर हमें नहीं लेना, केवल वही लॉन पेयर लेना है जो सिंगल बॉन्डेड एटम पर प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड वाला लॉन पेयर नहीं लेना हम, तो नहीं लेना। तो आप कितने पाई हो गए, दो पाई डबल बॉन्ड के, दो पाई डबल बॉन्ड के, दो पाई डबल बॉन्ड के, छह पाई। अब अनुनाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देखो अनुनाद कौन सा है यहाँ पर, डबल सिंगल डबल, तो देखो डबल से सिंगल पर, सिंगल पर सिंगल पर घूमते रहेंगे, क्या बनेगा एन, ये लॉन पेयर पे जैसा जैसा रह गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक यहाँ गया, तो ये इधर घूमेगा वापस से, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये छह की छह पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, और अनुनाद कर रहे हैं तो ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड होगा एरोमैटिक। कैसा होगा ये कंपाउंड, एरोमैटिक। कोई कंफ्यूजन? और देखिए आप, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया सेवंथ वाला, ये ले लिया, ये ले लिया हमने पाइरोल का। सबसे पहले देखें चक्रीय है कि नहीं है, है दिख रहा है, फिर समतलीय है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। अब जब नाइट्रोजन पर लॉन पेयर आता है तो ये sp3 हाइब्रिड होता है, लेकिन यदि ये लॉन पेयर अनुनाद में भाग लेता है तो sp3 की जगह पर ये sp2 संकेत हो जाता है। तो ये भी लॉन पेयर सिंगल डबल अनुनाद में भाग ले रहा है, तो ये sp2 हो गया, और sp2 होते ही संरचना कैसी हो गई, समतलीय हो गई। कैसी हो गई, समतली। क्लियर? नाइट्रोजन पे लॉन पेयर तीन बॉन्ड है तो sp3 होता है, लेकिन यदि वो लॉन पेयर अनुनाद करता है नेगेटिव सिंगल डबल तो वो क्या होगा, sp2 होगा, मतलब समतली हो गया। फिर यहाँ पे हम बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो और दो चार। अभी लॉन पेयर आएगा कि नहीं आएगा वो देखना, तो मैंने क्या कहा लॉन पेयर तभी आएगा जब वो संयुग्मन में हो। लॉन पेयर सिंगल डबल है तो लॉन पेयर कौन सा नहीं लेना, जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर है या ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर है, या नेगेटिव चार्ज कौन सा नहीं लेना जो डबल बॉन्डेड एटम पर है या ट्रिपल बॉन्डेड एटम पर है, ये नहीं लेने हम। यहाँ है क्या नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड नहीं है, तो लेना है कितने पाई इलेक्ट्रॉनों के, दो दो चार और दो छह, ये हो गए सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए भाई, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। और ये देखना लॉन पेयर सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लॉन पेयर से कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन सिंगल पर डबल, तो उसके पास वाले पर क्या बनेगा, आप यहां देखिएगा, यहां तो आ गया डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव आ गया आप इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ डबल, फिर वही नेगेटिव सिंगल डबल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्या बनेगा डबल डबल डबल, यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव सिंगल और डबल ये यहाँ जाएगा। ये रेजोनेंस तब तक करना जब तक वापस लॉन पेयर यहाँ पर नहीं आ जाए। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये यहाँ एच आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आई है, यहाँ नेगेटिव आ गया और इस पर प्लस आई है, फिर नेगेटिव सिंगल और डबल, ये यहाँ पर देखो एन, ये यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये इस पर प्लस है, ये इस पर एच है, ये फिर नेगेटिव सिंगल और डबल। अब वापस नाइट्रोजन पे लॉन पेयर आ गया, तो ये सारे के सारे छह पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं पूरी वले में, और पूरी वले में अनुनाद कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, ये होगी एरोमैटिक। तो एरोमैटिक होने के लिए चक्रीय होना चाहिए,
समतली होना चाहिए। समतली कैसे पहचाना होगा, सारे आइटम ST2 सम के दोनों चाहिए, और यदि कोई पे लॉन्ग पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो लॉन्ग पेयर और नेगेटिव चार्ज अनुनाद करना चाहिए। क्लियर। और फिर यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन पूरी बलय में घूमने चाहिए, अनुनाद करने चाहिए, तो क्या कहलाएगा वो, एरोमेट। अब जैसे यहाँ पे आठवां एग्जाम्पल लें अपन, इसको देखें कि क्या है। तो आठवें एग्जाम्पल में ऑक्सीजन पर लॉन्ग पेयर है दो, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो देखो चक्रीय है भाई, साइक्लिक दिख रहा है आपको, सारे वो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, sp2 ऑक्सीजन पे लॉन्ग पेयर है तो ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये सारे sp2 हो गए, तो प्लेनर हो गया, मतलब समतलीय हो गया। अब यहाँ पर देखें पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, ऑक्सीजन पर दो लॉन्ग पेयर है, और मैंने आपको बोला जब किसी एटम पर एक से ज्यादा लॉन्ग पेयर होता है तो हमें उसके केवल एक ही लॉन्ग पेयर को लेना है, मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन को लेने हैं। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड है क्या, ऑक्सीजन पर नहीं है, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन इसके, दो इस डबल बॉन्ड के, दो इस डबल बॉन्ड के, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये रेजोनेंस करेंगे इसकी तरह लॉन्ग पे या सिंगल नेगेटिव, फिर ये वाला आएगा यहाँ ऑक्सीजन मान लीजिएगा, पूरा रेजोनेंस करेंगे, तो रेजोनेंस करते हैं अनुनाद करते हैं, इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। अब बोलिए आप पहचानना सीखे कि नहीं सीखे कि कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम बात करते हैं एनुलिन्स की। एनुलिन्स क्या होते हैं, एनुलिन्स वे एक चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें सिंगल बंध और डबल बंध, मतलब एकल बंध और द्विबंध अल्टरनेटिव ऑर्डर्स में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, मतलब एक सिंगल फिर एक डबल फिर एक सिंगल फिर एक डबल, पूरी रिंग में होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एनुलिन्स। क्लियर है। इन एनुलिन्स को पहचानते हैं हम इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की नंबर से कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जैसे ये एनुलिन है, ये आपका एनुलिन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कहलाएगा एनुलिन 6। क्या कहलाएगा, ये एनुलिन 6 कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर ये साइक्लिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेटिव ऑर्डर है, तो ये कहलाएगा आपके एनुलिन 8। ये इसका फॉर्म है, एक दूसरा फॉर्म ये वाला है एनुलिन 8 का, और ये है आपके एनुलिन है, पूरा एक ही रिंग है पूरी की पूरी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेटिव ऑर्डर में है, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 10 10, ये हो गया एनुलिन 10, ये एनुलिन 8 है। अब हम बात करें कि एनुलिन जो होते हैं कौन, तो एरोमेटिक है कौन, एंटी एरोमेटिक कौन, नॉन एरोमेटिक है। तो एनुलिन 6 तो आपने देखा था एरोमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ बात करें हम एनुलिन 8, यहाँ पर ये साइक्लिक है भाई, ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, और यहाँ पर ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता, क्योंकि इसके जो ये दो कार्बन हैं ये कार्बन प्लेन से बाहर होते हैं। क्लियर। और जब ये नॉन प्लेनर है, ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो ये नॉन प्लेनर है, और जब नॉन प्लेनर हो गया तो एनुलिन 8 जो है वो होगा नॉन एरोमेटिक, जबकि होना तो क्या चाहिए था, इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन नॉन प्लेनर होने के कारण एंड नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर। फिर हम यहां पर देखें एनुलिन 10, एनुलिन 10 की देखें अपन, तो ये साइक्लिक है और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। अब देखें प्लेनर है कि नहीं, ये सारे कार्बन sp2 हैं, तो होना तो प्लेनर चाहिए था, बट यहां पर ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है, एक प्रतिकर्षण होता है,
उस प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों कार्बन आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं, मतलब इनकी जो समतलीयता है, इनकी प्लेनरिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब ये प्लेन में नहीं रहेंगे, समतलीय नहीं रहेंगे, कैसा हो गया ये असमतलीय। और असमतलीय होते ही ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद नहीं करेंगे, और अनुनाद नहीं करेंगे तो ये कौन सा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया ये, नॉन एरोमेटिक, ये ध्यान रखना। क्लियर। इस रिपल्शन के कारण, ये एच एच रिपल्शन के कारण यहां पर ये दोनों कार्बन प्लेन से बाहर आ गए, और प्लेन से बाहर आते ही ये संरचना समतलीय नहीं रही, असमतलीय हो गई। और जब ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो गई ड्यू टू दिस रिपल्शन, देन दिस एनोलिन 10 इज नॉट एरोमेटिक। ये क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। तो एनोलिन 6 एरोमेटिक होता है, एनोलिन 8 और एनोलिन 10 जो है वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। अब हम देखते हैं एनोलिन 14, एनोलिन 16 और एनोलिन 18। क्लियर है। तो एनोलिन 14 तक तो नॉन एरोमेटिक होते हैं, उसके बाद एनोलिन 16 और एनोलिन 18 एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होते हैं। वो हम देखते हैं कैसे है। तो ये अपवाद है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन है। 8 pi इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, और 8 pi इलेक्ट्रॉन्स के बावजूद साइक्लिक है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। यहाँ पर 10 pi इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, सॉरी नॉन प्लेनर है। क्लियर। अब देखते हैं हम एनोलिन 14 और एनोलिन 16 और एनोलिन 18। अब हम बात करें एनोलिन 14 की। एनोलिन का मतलब समझे ना आप, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एक चक्रीय यौगिक जिनमें द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में हो। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एकांतर क्रम में आ रहे हैं। तो एनोलिन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो इट इज नॉन एज एनोलिन 14। क्लियर। अब हम यहाँ बात करें कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले तो देखें अपन ये साइक्लिक है। क्लियर है। और साइक्लिक के बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग है, जहां n की वैल्यू 2 है। क्लियर। अब हमें देखना है कि प्लेनर है कि नहीं। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों फॉर्म जो है वो ट्रांस है, तो एक हाइड्रोजन नीचे होगा इसका ऐसे, और इसका ऐसे ऊपर होगा, इसका ऐसे यहाँ नीचे होगा, तो यहाँ पे कहाँ होगा, ये ऊपर होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ है तो ये नीचे होगा ऐसे, और ये ऐसे होगा। तो ये चारों हाइड्रोजन पास पास आ जाएंगे, ये दिखाने के लिए बताया मैंने आपको ट्रांसपोजिशन में, इसलिए चारों हाइड्रोजन पास पास होंगे। और इन चारों हाइड्रोजन में क्या होगा, एक रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन के कारण ये कार्बन जो है वो नॉन प्लेनर हो जाएंगे, मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो नॉन प्लेनर हो जाएगी। और जैसे ही नॉन प्लेनर हुई, एरोमेटिक का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये कौन सी होगी फिर, ये जो एनोलिन 14 है ये नॉन एरोमेटिक होगी। कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। कोई कंफ्यूजन। फिर अपन देखें यहाँ पर डीहाइड्रो एनोलिन 14। डीहाइड्रो का मतलब है यहाँ से मैंने ये दो हाइड्रोजन निकाल दिए। जब दो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है डीहाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन का रिमूव करना। तो यहाँ दो हाइड्रोजन निकाल दिए, और जब एक बॉन्ड यहाँ से हटाया और एक बॉन्ड यहाँ से हटाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक और बॉन्ड आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्लियर है। ये एनोलिन तो है ही, मोनोसाइक्लिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये ट्रिपल आ गया। ट्रिपल आते ही ये sp हाइब्रिड हो गया। तो इनके बीच में अब ये डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो यहाँ अब ये रिपल्शन नहीं रहा, और रिपल्शन नहीं रहा तो ये कार्बन भी प्लेन में होंगे, और ये पूरी स्ट्रक्चर प्लेनर होगी। और पूरी स्ट्रक्चर प्लेनर होगी तो देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है, जिसमें n की वैल्यू कितनी है, 2 है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में भी हैं, और कॉन्जुगेशन में है तो क्या कर रहे हैं, ये रेजोनेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये रेजोनेंस कर रहे हैं।
तो ये एरोमेटिक होगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें जैसे ही हाइड्रोजन निकले ये कार्बन एसपी हाइब्रिड हो गया, और एसपी हाइब्रिड होते ही इन कार्बन के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्शन खत्म हो गया, और रिपल्शन खत्म होते ही सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में हो गए, और एक ही प्लेन में हो गए तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो एनुलिन 14 तो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एनुलिन 14 में कौन सा, डीहाइड्रो एनुलिन 14 जो है वो एरोमेटिक है, क्योंकि ये कार्बन एसपी हाइब्रिड होने के कारण इन हाइड्रोजन के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ती है, और उस डिस्टेंस कारण रिपल्शन नहीं होगा, और रिपल्शन नहीं होगा प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो यहाँ पर ये सारे के सारे कार्बन प्लेनर मतलब एक ही तल में होंगे, और एक ही तल में होंगे तो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ये है एनुलिन 14। अब एनुलिन 16 और एनुलिन 18 का साइज बड़ा होने के कारण वहां हाइड्रोजन के बिटवीन कोई रिपल्शन नहीं होता, तो एनुलिन 16 और एनुलिन 18 दोनों की रिंग जो होती है वो एक ही प्लेन में होती है, मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं, तो रिंग जो है वो प्लेनर होती है, मतलब समतलीय होती है, और समतलीय होती है तो एनुलिन 16 में 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक तो है ही है, और यहाँ कोई रिपल्शन है नहीं, तो सारे एटम क्या है, प्लेन में है, तो ये प्लेनर है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डी लोकेलाइज हो रहे हैं, और डी लोकेलाइज हो रहे हैं, तो एनुलिन 16 जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करते हैं, किसका फॉलो करते हैं, 4n पाई का। तो एनुलिन 16 और 18 मतलब 16 से बड़े एनुलिन में साइज, रिंग का साइज बढ़ने के कारण हाइड्रोजन के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ती है, जिससे उनमें रिपल्शन घटेगा, मतलब रिपल्शन होगा ही नहीं, और रिपल्शन नहीं होगा तो ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, सारे के सारे परमाणु एक ही तल में उपस्थित होंगे, और तल में होंगे तो स्ट्रक्चर प्लेनर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे, अनुनाद करेंगे, तो ये कंपाउंड जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। ऐसे ही एनुलिन 18 में साइक्लिक तो है ही है, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 4 रखने पर जो आएगा वो कहलाएगा आपके 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, यहाँ n की वैल्यू 3 है एनुलिन 10 में, एनुलिन 14 में n की वैल्यू 3 आएगी, अपन ने 2 बोल दिया था जो गलत बोला, यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी। एनुलिन 18 में n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, और n की वैल्यू 4 आएगी तो साइज बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन के बिटवीन कोई रिपल्शन है ही नहीं, और रिपल्शन नहीं है देन प्लेनर है, एक ही तल में है, और एक ही तल में तो वो अनुनाद करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, सो एनुलिन 18 इज एरोमेटिक इन नेचर। कैसी होगी, एरोमेटिक। तो एनुलिन 6 एरोमेटिक है, 6 के बाद 6 से लेकर 14 तक, 6 के बाद 8, 10, 12 और 14 तक सारी एनुलिन जो है वो नॉन एरोमेटिक है, बस एक डिहाइड्रो एनुलिन जो है वो एरोमेटिक। क्लियर। उसके बाद आते हैं अपन एनुलिन 16 के बाद जितनी भी एनुलिन्स हैं 14 के बाद की, वो सारी एनुलिन्स या तो एंटी एरोमेटिक होंगी या एरोमेटिक होंगी। उसमें देख लेना, इलेक्ट्रॉन 4n पाई है तो एंटी एरोमेटिक, और 18 4n प्लस 2 पाई है तो एरोमेटिक। क्लियर। क्योंकि यहाँ रिंग का साइज बड़ा होने के कारण, रिंग का आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन के बिटवीन कोई रिपल्शन नहीं होता, सो एनुलिन 16 और एनुलिन 18 जो होती है वो एक ही प्लेन में होती है, समतलीय होती है। तो ये एनुलिन 16 तो एंटी एरोमेटिक होगी, एनुलिन 18 नॉन एरोमेटिक होगी, सॉरी एनुलिन 16 तो एंटी एरोमेटिक होगी, और एनुलिन 18 जो है वो एरोमेटिक होगी। कैसी होगी, एरोमेटिक। तो कन्फ्यूजन। और एनुलिन 14 तो एक्सेप्शन है ही है, अपवाद है ही है, आपको याद रखना है। एनुलिन 8, एनुलिन 10, एनुलिन 12, एनुलिन 14 ऑल आर द नॉन एरोमेटिक, ये सभी क्या है आपके, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, कोई प्रॉब्लम आई के लिए है एनुलिन, ये एनुलिन क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक से ज्यादा रिंग वाले कंपाउंड्स की,
तो जैसे नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये फिनेंथ्रीन है। एंथ्रासीन में तीनों रिंग एक साथ है, फिनेंथ्रीन में दो रिंग नीचे और एक रिंग ऊपर है। अब यहाँ देखते हैं कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। तो यहाँ देखो ये रिंग साइक्लिक है, क्लियर। सारे कार्बन डबल बॉन्डेड हैं, देखो डबल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड है। तो सारे कार्बन sp2 संकृत है, ऑल sp2 संकृत कार्बन है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, प्लेनर है। फिर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस, 10 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये 10 pi इलेक्ट्रॉन्स देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल घूम रहे ना भाई, रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये 10 pi इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड है। और जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, क्लियर। क्योंकि ये प्लेनर है, साइक्लिक है, 10 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसके रूल का फॉलो करते हैं, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करते हैं, जहां n की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्लियर। हम यहाँ पे बात करें एंथ्रासीन की, एंथ्रासीन में ये साइक्लिक है, फिर देखो डबल, सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, कोई भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, ऑल sp2 कार्बन है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है, क्लियर है। ये एनुलिन नहीं है, क्लियर। अब यहां पर जब ये सारी स्ट्रक्चर प्लेनर है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है, क्लियर। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। और ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। आप देखो ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ घूमता रहेगा ना भाई, घूमेंगे तो ये पूरा रेजोनेंस कर रहे हैं। और जब ये पूरा की पूरा रेजोनेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये एरोमेटिक है। क्या है ये, एरोमेटिक। एक बार तो यहाँ रेजोनेंस करेगा, देखो ऐसे ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी आपके क्या, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आ गए, क्लियर। एक बार जब ये रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक, कर सकते हैं आप, बना सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत। ये एरोमेटिक है, यहां देखें तो यहां पर भी ये साइक्लिक है, 14 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे रेजोनेंस कर रहे हैं और रेजोनेंस कर रहे हैं, प्लेनर ज्योमेट्री है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, 14 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 14 pi इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, कोई कंफ्यूजन। अब हम कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स देखें जिनमें हम एरोमेटिकता कैसे देखेंगे। मान लो यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें एरोमेटिक है या नहीं है वो देखना है। तो सबसे पहले देखें, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, का ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या आएगा, ये तो डबल बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब आप देखो आपकी रिंग को देखो, इसमें रिंग है मतलब साइकिल है, बले आ गई, बले के साथ साथ इस बले में आपके 2 pi इलेक्ट्रॉन है और 2 pi इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये pi इलेक्ट्रॉन अनुनाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो ये सिस्टम कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एरोमेटिक। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ क्या है, सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन बंद बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये भले देखो, अब आप ये रिंग देखिए, साइक्लिक कंपाउंड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब एरोमेटिक। यहाँ पर देखें बाईफेनिल में, बाईफेनिल में ये रिंग है और ये रिंग है, दोनों रिंग अलग अलग है, एक में तो है ही नहीं 12 इलेक्ट्रॉन, अलग अलग है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये रिंग है। साइक्लिक है, सारे डबल बॉन्ड प्लेनर है, इसमें भी सारे डबल बॉन्ड है तो प्लेनर है। फिर इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं ना भाई, अलग अलग रेजोनेंस है अलग अलग रिंग में, तो दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं पूरी में। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इन ईच रिंग, तो बोथ रिंग्स मतलब दोनों ही रिंग क्या है, एरोमेटिक है। तो कंपाउंड फाइनली कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर अगर 2 रिंग है, 3 रिंग है और 1 रिंग एरोमेटिक है, बाकी की रिंग एरोमेटिक नहीं भी है, तो कंपाउंड फिर एरोमेटिक आएगा। जैसे यहाँ देखिए, इस रिंग में देखें तो ये साइक्लिक है, मतलब रिंग बी की रही है, sp2 है, सारे कार्बन तो प्लेनर हो गया। और यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। एक बल्ले को देखना आप, क्लियर, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये जो रिंग है, ये रिंग तो हो गई एरोमेटिक, क्लियर। यहाँ पर केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है और ये प्लेनर नहीं है, तो ये साइकिल है और नॉन प्लेनर है और ये रेजोनेंस नहीं कर रहे, तो ये नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस कंपाउंड में एक रिंग एरोमेटिक है और एक रिंग नॉन एरोमेटिक है, तो पूरा की पूरा कंपाउंड जो होगा वो फाइनली एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन, क्या सीखे यहाँ पर, यदि 2 रिंग है उनमें से एक एरोमेटिक है और एक नहीं है, तो वहां पर वो एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ देखें, इसमें रिंग एरोमेटिक दिख रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है और ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक रिंग हो गई। और इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक रिंग है। तो एक रिंग एरोमेटिक है, एक रिंग नॉन एरोमेटिक है, तो कंपाउंड कैसा है, यौगिक कैसा है, फाइनली एरोमेटिक। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पूरा कंपाउंड एरोमेटिक में आएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, तो देखिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, थैंक यू। ये थे एरोमेटिसिटी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए, फिर बात करेंगे अपन बाद में। अब देखें आप सारे बच्चे एक साथ, अगर इस टाइप के कंपाउंड आ जाए और हमें एरोमेटिसिटी देखनी हो, 2 रिंग जुड़ी हुई है, पूरा कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर पहले रेजोनेंस के द्वारा इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है आपको, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है कि कोशिश करो कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए। तो हम यहाँ पर अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इधर ले जाता हूँ, देखना इधर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके, देखो इधर जाएगा तो यह नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड है ही है और ये यहाँ पर रही है और ये पॉजिटिव आ गया। तो देखो ये रिंग को देखो आप, साइकिल रहेंगे दोनों कंपाउंड, साइकिल के दोनों रिंग, सारे कार्बन sp2 है यहाँ पर, तो ये सारे ही प्लेनर हैं, तो ये रिंग साइक्लिक है, प्लेनर है। अब इस रिंग में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस रिंग में देखें अपन, साइक्लिक है, फिर प्लेनर है, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे भाई, डबल सिंगल पॉजिटिव और डबल सिंगल डबल पूरे में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है और ये पूरा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कहलाएगा, क्लियर है। तो आपकी जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की बहुत काम आएगी रिएक्शंस में,
इलेक्ट्रॉन इधर जाए या इधर जाए, तो हमें इलेक्ट्रॉन उधर लेके जाने हैं जहां पर दोनों रिंग, बोथ रिंग बिकम एरोमेटिक, दोनों रिंग क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। क्लियर? इस कंपाउंड को देखिए, डबल बॉन्ड है, अब रिंग इधर जाएगी, इलेक्ट्रॉन या इधर जाएंगे, तो मैं इधर लेता हूँ क्योंकि ये दो दो चार, इसको दो पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे ये दो ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए ही नहीं कुछ भी एरोमेटिक होने के लिए, तो अपन इलेक्ट्रॉन को इधर इस रिंग पे ले जाए तो क्या बनेगा, आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ डबल 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 और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। देखिए आप साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 है, देखो आप, तो ये प्लेनर है और ये भी प्लेनर है, और बेटा दो चार दो छह, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी रेजोनेंस कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं सारे के सारे, और ये भी अनुनाद कर रहा है, डिलोकलाइज है मतलब घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक है हो गई और ये भी एरोमेटिक हो गई, तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया कंपाउंड, एरोमेटिक हो गया। अब अपन इसको देखते, यहां पर क्या है, साइक्लिक है, ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन बोरॉन में sp2 कार्बन है ही है, sp2 है ही है बोरॉन सॉरी, तो ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, मतलब तीनों में sp2 संकरण है। तो यहां पर हम देखें बोरॉन के पास क्या होता है, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है जो बिहेव करेगा एज ए वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, तो रेजोनेंस करेंगे ना, और एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा तो ये रेजोनेंस करेंगे पूरे में, और रेजोनेंस करेंगे साइक्लिक है, प्लेनर है, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, और रेजोनेंस कर रहे हैं तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कोई कंफ्यूजन, अब बताइए बेटा एरोमेटिसिटी आई कि नहीं आई, आपको पूरा एग्जाम्पल समझाए, अब आप इनके एग्जाम्पल्स और लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है तीनों चीज, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, थैंक यू। लेकिन पढ़िएगा ढंग से पढ़िएगा ताकि दिक्कतें नहीं आए, तो जब धीरे धीरे आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी तो आप पढ़ते जाइए और उनको सबको क्लियर करते जाइए, ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो आपके, रेगुलर पढ़ें, डेली पढ़ें, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो पूरे अच्छे ढंग से बिल्ड हो और आप बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनिक पढ़ सकें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करें, थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं कल दोबारा अगले लेक्चर में, थैंक यू। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी, क्लियर।